गाइज़ वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग बिंदास चतुर्वेदी फैमिली यूट्यूब चैनल। गाइज आज है थर्सडे तो मैं यहाँ पूजा करने के लिए आई हूँ केले के पेड़ की अपनी बगिया में। तो मैंने यहाँ पर अभी बहुत सारे फूल देखे हैं। अभी देखो गाइज, देखिए हमारे गुड़हल पे कितने सारे फूल आए हैं। इतना फूल आया है कि पूरा पेड़। गाइज पूजा तो हो चुकी है, अब घर चलते हैं। चलिए गाइज मंदिर में आ गए हैं, भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। आज येलो कलर के फूलों से सजे हुए हैं हमारे भोलेनाथ, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बम बम बोले हर हर महादेव, जय माता रानी की जय हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने उनके कहला। चलिए गाइस पूजा करके आ गए और हम खा रहे हैं पोहा, और अब बनाएंगे आज हम पकौड़ा की सब्जी, पकौड़ा आलू की सब्जी और करौंदे की सब्जी। ये देखिए गाइस, ये है ककौड़ा और ककड़ौंदा, दोनों कट चुके हैं। इनको अलग अलग बनाऊंगी। ये बनेंगे थोड़े से मीठे, इसमें शक्कर डाल के, और ये ककौड़ा आलू प्लेट सब्जी। और यहाँ मम्मी ने पके हुए ककौड़े के बीज निकाल के रख दिए हैं। क्या करें इसका, क्यारी में? अच्छा, मम्मी कह रही क्यारी में गाड़िया तो बेल हो जाएगी ककोरा की। हालांकि एक बेल हमारे हो गई है गाइस, पर उस पर ना थोड़े से ककोरे लगे हैं, दो चार ही, ज़्यादा ककोरे नहीं अभी लगे। और अभी मैं बीजे डाल दूंगी ना तो और भी बेलें हो जाएंगी। गाइस आज हमारे घर में लग रहा है सोलर, तो मैं अभी छत पर जा रही हूँ देखने के लिए कैसे क्या लग रहा है। ये लग गया सोलर। गाइस थोड़ा सा ही काम रह गया है और लग गया है, बस थोड़ा सा काम रह गया है उन्हें को। गाइस किचन में आ चुके हैं, अब बनाने वाले हैं हम पकौड़ा आलू की सब्जी, और दाल चावल मेरे बन चुके हैं। गाइस मैंने दाल में छौंक लगा दिया है। गाइस पकौड़ा आलू भुन गए, अब मैं उनको ढक दूंगी। चले गाइस पकौड़ा आलू की सब्जी बन के रेडी हो गई है। देखिए इसको स्लो फ्लेम पर मैंने भुना है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गाइस शाम का समय तो मैं आ गई किचन में, और मेरी बन रही है सब्जी अभी, परवल आलू की सब्जी फ्राई हो गए। अब इसमें बहुत हल्का सा पानी डालूंगी मैं और एक प्लेट से ढक दूंगी। चलो देविका को बुला के लेके आते हैं, ये अपनी ताई जी क्या बैठी है। गाइस बच्चों को बुलाने जा रही हूँ मैं, टिंकी भाभी के। देविका, देविका देखो मैं डेजी आ गई। देवी, अच्छा इनकी बहना आ गई है। अरे तभी मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहे हैं दोनों के दोनों। अच्छा डेजी तुम्हें भी बहुत प्यार आ रहा है, सौम्या दीदी आ गई। गाय सौम्या दीदी से मिल लो हमारी से। दोनों भाई बहन देखो कैसे चिपके बैठे हुए हैं। डेजी से भी मिल लो, डेजी भाई ससुराल से आई है ना दीदी, इसलिए डेजी हाय कर लो। हाय गाइस, मैं और हमारे चाचा जी बैठे हैं, अम्मा बैठी है और टिक्की भाई बैठी है। बात तो सुन लो, क्या कह रही है वो। अच्छा सुन तो लो, सुन लो फिर कर लेना डेजी। अरे डेजी गुस्सा हो गई है ना, क्यों? देखो गाइस देखो डेजी गुस्सा हो गई है, सौम्या दीदी है ना, बहुत दिन बच्चों को इनकी दीदी क्या आ गई है, अभी यहाँ से हटने कोई तैयार नहीं है। दीदी इनसे बोलो अपना होमवर्क करके आए तब बेटे। ताई जी कह रही तो आ नहीं रहे हैं, चलो मैं तो अपना खाना बना लेती हूँ। गाइस अभी परवल आलू तो मैंने छौंक दिए हैं, और अब मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्जी, तो लौकी काटने वाली हूँ। चलिए गाइस लौकी तो कट चुकी है, अब लौकी की सब्जी बनाते हैं।
चलिए गाइस लौकी की सब्जी बना देते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने कुकर में, गरम करने के लिए छोड़ दिया, और इसमें जीरा डाल दिया है। मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग, जीरे को चटकने देना है। इसमें डालूंगी हरी मिर्च, और अब डालनी है हमको लौकी। गाइस मैं इसमें अभी मैंने टमाटर नहीं डाले क्योंकि मम्मी पापा सबको पसंद नहीं है, उनको लौकी की सब्जी में टमाटर पसंद नहीं है कोई भी चीज़। तो मिर्च पाउडर एक चम्मच, हल्दी पाउडर, और ये धनिया पाउडर एक चम्मच, और नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है थोड़ी देर के लिए। हमें गैस पे इसी तरह से इसको कुकर को खुला छोड़ के पकाना है। चलिए गाइस लौकी पक चुकी है, अब इसमें मुझे डालना है आधा ग्लास पानी। और चलिए गाइस परवल आलू की सब्जी बन गई है, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच, और इसमें अमचूर पाउडर जाएगा, और इसमें ये अमचूर पाउडर आधा चम्मच, और इसको इसी तरह थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए। गाइस अब धनिया काट लेते हैं। देखो मैंने 2 दिन पहले इसमें धनिया रखा था, और अब आपको दिखाती हूँ मेरा धनिया कैसा रखा है। देखो मेरा एकदम हरा रखा है धनिया, इस तरह से मैंने 2 दिन पहले रखा था जड़ तक। देखिए गाइस धनिया हमारा कट चुका है, और सब्जी भी बन गई, बस सब्जी भी हमारी रेडी हो जाएगी, और खाना टाइम से ही रेडी हो जाएगा क्योंकि आज हमारे यहाँ सोलर लगा था गाइस, तो इसमें हम बिजी हो गए थे। गाइस खाना पीना हो चुका है रात के, अभी 10:30 बज रहे हैं, हम किचन में से निकल लिए अपना काम फिनिश करके। गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।